हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेडपुल महर्षि द माउथ का एक नया एपिसोड। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछली बार खत्म हुआ था। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अपने कमेंट्स और सजेशन दें ताकि मैं अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर बेटी को, जिसने जॉम्बी डेडपुल को अपने बाहों में लिया हुआ था और कह रही थी, गाइस कुछ तो करो। और तभी हम देखते हैं दो लोगों को, जिसमें से एक था आइसमैन, जो उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। डेडपुल तब बिल से कहता है, इसकी स्पीड बढ़ाओ और आगे चलो। जिस पर बिल कहता है, तुम बात किसके बारे में कर रहे हो? ये एयरशिप तो किसी वेल के एस की तरह मूव करती है, इसे हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल है। तभी आइसमैन बाहर से उस पर अपनी आइस डालते हुए उस एयरशिप का वजन बढ़ाने लगता है और कहता है, ये एक्स्ट्रा वेट तुम्हें लैंड करने पर मजबूर कर देगा। बिल तभी डेडपुल को बताता है कि हमारा वेट बहुत बढ़ चुका है, हमें कहीं ना कहीं लैंड करना होगा। जिस पर डेडपुल कहता है, तुम गलत सोच रहे हो मिस्टर बिल, हमें उस विंडो के आर पार जाना होगा। और वो ऐसा ही करता है और एक बिल्डिंग को चीरता हुआ वो उस एयरशिप को लेकर आर पार निकल जाता है। उस क्रैश की वजह से अंदर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बेटी डेडपुल से कहती है, डेडपुल तुम पागल हो, सन ऑफ अ बिच। जहाँ पर डेडपुल कहता है, लोगो नीचे उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ चुका है और मैं जा रहा हूँ बाहर। जहाँ पर डेडपुल से डॉक्टर बेटी पूछती है, तुम पागल हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर डेडपुल कहता है, मैं कॉस्ट्यूम वाला सुपर हीरो हूँ और मुझे अब अपना काम करना है। और वो एक जॉम्बी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्या चल रहा है हॉट स्टफ? लेकिन वो जॉम्बी उस पर अटैक करते हुए कहती है, मैं मजाकिया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसलिए जलो बास्टर्ड। लेकिन डेडपुल उस आग से निकलते हुए उसे मार देता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है उस जॉम्बी के साथ। और उस वजह से जॉम्बी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। और वो अपने लेग्स को देख कर कहती है, मुझे अपने लेग्स की ज़रूरत थी सन ऑफ अ बिच, और सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं अब भी भूखी हूँ। मैं पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तब डेडपुल उसे मजाक में लेते हुए कहता है, वो देखो मेरी दूसरी तलवार तुम्हारे पास है। और वो अपनी तलवार निकाल कर उस जॉम्बी को पूरा ही मार देता है। और आइसमैन उस एयरशिप में अंदर जाते हुए कह रहा था, नाइकेक्स बाहर आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें झट से मार दूंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। और जॉम्बी डेडपुल उस पर उससे कहता है, पागल मत बनो आइसमैन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मान लो अगर तुमने खा लिया, पेट फटने तक भी खा लिया, फिर भी ये तकलीफ, ये भूख फिर से आ जाएगी, और उसके बाद तुम क्या करोगे? खाने के बाद एक घंटे के अंदर ये फिर से शुरू हो जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम ये सब छोड़कर मेरे जैसे बन जाओ। जिस पर आइसमैन कहता है, तो अब मुझे एक बॉडीलेस हेड की बात माननी पड़ेगी और उसके जैसा बनना पड़ेगा। जिस पर जॉम्बी डेडपुल कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू सोच कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए एक कन्वीनियंट डाइवर्जन हूँ। और तभी डॉक्टर बेटी और बिल, जो कि छुपे हुए थे, उस पर अटैक करते हैं और डॉक्टर बेटी कहती है, अब लीड खाओ। लेकिन उसे उबरते हुए आइसमैन कहता है, तुम सोच भी कैसे सकते हो, मैं एक एक्समैन हूँ, तुम जोर से चिल्लाकर और पॉप गन्स के साथ मुझे डरा सकते हो? और वो उन्हीं पर भारी पड़ते हुए बिल को पकड़ लेता है और बढ़ता है आगे बेटी की तरफ। आइसमैन को अपनी तरफ बढ़ता देख बेटी उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन आइसमैन उसे पकड़ कर कहता है, तुमने सिर्फ इसे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया, और मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट करोगी, तो अब चलो शुरू करते हैं। और वो आगे बढ़कर बेटी को खाने ही जाता है। तभी अभी दिखाया जाता है डेडपुल, जो अपनी आवाज़ से कह रहा था, तो बेटी वहाँ पर है, हमें वहाँ जाकर उसे बचाना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी का शिकार बन जाए। लेकिन उस पर उसकी आवाज़ उसे बताती है, और उसके बाद क्या, वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देती, और उसे छोड़कर तुम्हें डायमेंशनल पोर्टल ढूंढना चाहिए अपने घर वापस जाने के लिए। याद रखो, तुम एक हीरो नहीं बल्कि किराए के गुंडे हो। इस पर डेडपुल कहता है, लेकिन वो हमारी दोस्त है। इस पर वो आवाज़ उससे कहती है, असलियत ये है कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, एक कटा हुआ सर और एक लड़की, तुम इन्हें दोस्त कहते हो? इस पर डेडपुल गुस्सा होकर कहता है, मेरे ख्याल से तुम ही हो जो मुझे लोगों से जुड़ने से रोकता है। और तभी ऊपर कुछ दिखाई देता है। इसी दौरान हम देखते हैं वेरोनिका और उनके साथियों को अपने सीक्रेट हाइड आउट पर, जहाँ पर वेरोनिका कहती है, जो बिल्डिंग पूरी तरह से गिरी वो हमारे बैक एंट्रेंस पर, जिस वजह से वो पूरी तरह से सील हो चुका है, इस हटाने में हफ्तों लग सकते हैं अगर हमने अभी शुरुआत की तो। और वेंस्टाइन से कहती है कि जाकर रिएक्टर चेक करो, और बाकी बचे लोग एक टीम ऑर्गेनाइज करके इस हाइड आउट का कोना कोना छान मारो।
हमें पता करना है कि किस तरह का नुकसान हमें हुआ है। तभी एक आदमी आकर वेरोनिका से कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेड विल्सन चला गया, ये अच्छा हुआ। मुझे पता है कि उसने हमारी मदद की, लेकिन वो हमारे लिए मुसीबत से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। उसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसने एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हमारे हाइडआउट के ऊपर लाकर गिरा दी। इस पर वेरोनिका गुस्सा होकर कहती है, किसने तुमसे नहीं पूछा है प्रोफेसर पोटर। और तभी उन्हें महसूस होता है एक अर्थक्विक, जहाँ पर पहले तो वेरोनिका उसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो देखती है कि वो वही जॉम्बी था जो उस बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ था, जो अब बाहर आकर लोगों को खाने लगता है। उस जॉम्बी को देखकर वेरोनिका और बाकी के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस पर एक आदमी उससे कहता है, इसका कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है कि हम किसी टैंक को शूट कर रहे हैं। और वो आदमी भी उस जॉम्बी का शिकार बन जाता है। ये देखकर वेरोनिका एक जगह जाकर सारे लॉक्स एंगेज कर देती है, लेकिन उन्हें भी तोड़ते हुए वो जॉम्बी अंदर आता है और कहता है, अब है चाव टाइम। और वही दूसरी तरफ आइसमैन डॉक्टर बेटी को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे इंटरप्ट करता है जॉम्बी डेडपूल और कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर हो स्नोबॉल। इस पर गुस्सा होकर आइसमैन कहता है, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम एक बिना बॉडी वाले कीड़े बन चुके हो और मैं अपना मील एंजॉय करने जा रहा हूँ, तो चुप रहो। जिस पर वो कहता है, तुम्हें देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है, मुझे पता है कि एक कैसा लगता है, एक एक चीज मैं जानता हूँ कि तुम उसे खाओगे, उसके बाद उसके गर्म खून की फुहार तुम्हारे गले तक पहुँचेगी और तुम्हारे रोम रोम को एनर्जी के साथ भर देगी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये हंगर तुम्हें कुछ ही मिनटों में फिर से जकड़ लेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सौ चूहे तुम्हारे पेट में एक साथ डांस कर रहे हैं और तुम फिर से इस हंगर के गुलाम बन जाओगे, या फिर ये सब छोड़ दो और खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो, तुम अपने डेस्टिनी के इंचार्ज बन जाओ, खुद का भविष्य खुद संवारो। और आखिरकार एक क्वेश्चन ये है कि तुम इसकी हिम्मत रखते हो कि तुम इस हंगर को रोक सको, तुम खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सको। ये सब सुनकर आइसमैन जॉम्बी डेडपूल से कहता है, नहीं ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने कितनी बार इससे आजाद होने की कोशिश की है, लेकिन ये भूख हर एक मोमेंट के साथ बढ़ती जाती है। और तभी डेडपूल एक बाइक के साथ आता है वहाँ पर और वो बाइक छोड़कर डॉक्टर बेटी को बचा लेता है और वो बाइक सीधा जाकर गिरती है आइसमैन के ऊपर और आइसमैन उसके नीचे दब जाता है और डेडपूल और बेटी उस एयरशिप के सहारे लटक जाते हैं, जहाँ पर डेडपूल कहता है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था इवल निवल, क्या लोगों को पता है कि इवल निवल कौन है। जिस पर उसकी आवाज़ उससे कहती है, अगर लोगों को पता नहीं होगा तो वो विकिपीडिया पर सर्च कर लेंगे, लेकिन अभी तुम वो करो जो तुम कर रहे हो। आइसमैन वहाँ पर बाइक के नीचे गिरा कह रहा था, मेरा स्पाइन टूट चुका है, मैं अपने लेग्स महसूस नहीं कर रहा। जिस पर डेडपूल उसे टॉन्ट मारता है, ये सुनने में तो पेनफुल लग रहा है, क्या सचमुच ऐसा है। उस जगह पर 20 मिनट के बाद जहाँ पर आइसमैन सबसे मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन डेडपूल और वो सभी उसको अवॉइड करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर डेडपूल कहता है, सबसे पहले हमें हमारे लिए कपड़े लेने होंगे क्योंकि हम इन कपड़ों में या इस जॉम्बी यूनिवर्स में घूम नहीं सकते, ये ऐसा लग रहा है कि हम ह्यूमन टॉर्च के साथ स्लो डांस कर रहे हैं। जहाँ पर डॉक्टर बेटी उसे कहती है, तुमने वहाँ पर मेरी जान बचाई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। जहाँ पर डेडपूल कहता है, मैंने तुम्हारे मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और थोड़ी देर बाद वो दुखते हैं एक शॉप के बाहर, जिसके अंदर जाकर वो 30 मिनट्स में तैयार हो जाते हैं कपड़े पहनकर। जहाँ पर जॉम्बी डेडपूल कहता है, मुझे पता है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखकर जेलिस हूँ। और वो लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनका पीछा वो बचा हुआ एम एजेंट और एम सब कमांडर कर रहे थे। जहाँ पर वो एजेंट अपने सब कमांडर से कहता है, सर हमारी सिचुएशन अभी अस्थिर है और हम इन हालातों में हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ा सकते किसी भी सक्सेस के होप पर। जहाँ पर वो सब कमांडर उसे कहता है, मुझे लगता है कि ये वक्त एक नया मिशन शुरू करने का है, जिसे मैं कहूँगा अपना पिछवाड़ा बचाओ और इस डायमेंशन से बाहर निकलो। वो अभी जा रहे हैं, हम उन्हें जाने देंगे और उनका पीछा करेंगे थोड़ी दूरी रखकर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसे हम सेफ कह सकें। डेडपूल का पीछा करते हुए वो एम एजेंट अपने सब कमांडर से कहता है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर हमने अपना प्लान चेंज कर लिया है तो हम मिस्टर विल्सन का पीछा क्यों कर रहे हैं। जहाँ पर वो अपने एजेंट से कहता है, क्योंकि मुझे डाउट है कि मिस्टर विल्सन और बेटी सैनसन यहाँ पर उतने दिन बिता चुके हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, और जब वो घर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे तो हम उनके पीछे ही होंगे।
मिस्टर विल्सन एक प्रोफेशनल मर्सिनरी है और वो अपने काम में बेस्ट है, और इस वक्त भी वो कोई ना कोई प्लान सोच रहा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेडपुल को, जो ऐसा ही कह रहा था, जहाँ पर बेटी उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करने वाली, क्योंकि पिछली बार जब हम एयर में थे उस एयरशिप में, उसके साथ हमें अनगिनत साल लग जाते सर्टस विला के गेटवे तक पहुँचने में। जहाँ पर टॉमी डेडपुल कहता है, मैं इस बार इस कट वाली के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना होगा उस टाइमलाइन में जहाँ पर मुझे अपनी बॉडी के साथ रखना है। मैं उसे इंटरसेप्ट करूँगा और तुम वहाँ पर अपने घर जा पाओगे। इस पर डेडपुल कहता है, तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि कहीं से हमें मदद मिल सकती है या नहीं। और वो कॉल करता है प्रोफेसर वेरोनिका को, और प्रोफेसर वेरोनिका से कहता है, हमने अपना राइड खो दिया है और मुझे कुछ बेहतर और जल्दी चाहिए, और तुम मुझे अपने नए लुक में देखकर पागल हो जाओगी। क्या मैंने अभी अभी कहा कि मैंने नए कपड़े खरीदे हैं? जहाँ पर वेरोनिका कहती है, मैंने सुना डेडपुल, अगर तुम अपनी लोकेशन ट्रांसमिट कर दो तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर डेडपुल पूछता है, तो हम कब मिल सकते हैं? जिस पर वेरोनिका कहती है कि डिनर टाइम कैसा रहेगा। और तब हम देखते हैं वेरोनिका को, जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और अपने ही लोगों को खाकर वहाँ खड़ी थी और कह रही थी, मैं वहाँ आकर तुम्हें काटने को बेताब हूँ।